हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे एक क्रिटिकल रीजनिंग का सेट नंबर 13। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके सो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि थ्रू आउट द 1950s देर वर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेड बर्ड्स फाउंड इन एग्रीकल्चरल एरिया आफ्टर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग। ओके पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्ड दैट द पब्लिसिटी गिवन टू द बर्ड डेथ्स stimulated volunteers to look for dead birds and that the increase in the number reported was attributable to the increase in the number people looking। उन्होंने क्या बताया कि 1950s में आपके पास इंक्रीज हुआ नंबर में किस में, जो बर्ड्स की डेथ है उसमें, किस एरियाज में, एग्रीकल्चरल एरिया में और जहाँ पर पेस्टिसाइड की स्प्रेइंग की गई थी। ठीक है, तो इस पर पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स ने क्लेम किया कि ये जो पब्लिसिटी दी जा रही है बर्ड्स की डेथ पर, इससे क्या हो रहा है, कुछ वॉलंटियर्स खुद से आ रहे हैं, मतलब कुछ लोग खुद से आ रहे हैं देखने के लिए कि बर्ड्स की डेथ हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, और उन्होंने एक ये क्लेम किया कि जितने नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, जितने नंबर ऑफ पीपल बाहर निकलने जा रहे हैं। तो उन्होंने एक सिंपल सी ये बात बोली है पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स ने कि ये जो हो रहा है ना, आई मीन बर्ड्स की डेथ हो रही है, वो हमारी वजह से नहीं हो रही है, वो क्या हो रहा है, पब्लिसिटी की वजह से हो रही है। आप पब्लिसिटी जितनी कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ़ पीपल बाहर निकल रहे हैं और उतनी ही रिपोर्ट्स आपकी बाहर छप रही हैं, किसकी, बर्ड्स की डेथ की। उन्होंने एक सिंपल सी ये चीज़ बोली। ठीक है, आगे क्या बोला उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू वुड हेल्प टू रिफ्यूट द क्लेम ऑफ द पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स। उन्होंने क्या बोला कि इनमें से अगर ट्रू हैं तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा होगा जो कि रिफ्यूट करेगा क्लेम को पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स की। ठीक है, तो फिर से एक बार जान लीजिए पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स का क्लेम क्या था कि ये जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, जितने आप पब्लिसिटी दे रहे हैं उस वजह से लोग निकल रहे हैं और उतनी ही रिपोर्ट्स आपकी छप रही हैं। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है, इसको हमें रिफ्यूट करना है, इसको हमें गलत प्रूव करना है। ठीक, तो देखते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं। उसने क्या बोला कि द पब्लिसिटी गिवन टू बर्ड डेथ्स वॉज लार्जली रीजनल एंड नेवर रीच्ड नेशनल प्रोपोर्शन। उन्होंने क्या बोला कि ये जो पब्लिसिटी है बर्ड्स की डेथ की वो कहाँ पर है, वो ज़्यादातर रीजनल है। ठीक है, और कभी भी नेशनल प्रोपोर्शन पर नहीं पहुँचेगी। तो रीजनल है से ज़्यादा कुछ हमें मतलब तो बढ़ नहीं रहा है, मतलब क्या, किसी भी तरीके से हम यहाँ से उन्होंने जो क्लेम किया है उसको गलत तो नहीं बता सकते हैं कि ये जो आपके पास हो रहा है वो सिर्फ पब्लिसिटी की वजह से हो रहा है, इजंट इट। इसका मतलब फर्स्ट आपके पास ऑप्शन नहीं है। सेकंड उन्होंने क्या बोला कि पेस्टिसाइड स्प्रेइंग वर टाइम्ड टू कोइंसाइड विद वेरियस फ्रेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स दे डिस्ट्रॉयड। उन्होंने क्या बोला कि जो पेस्टिसाइड की स्प्रेइंग की जाती है वो टाइम्ड की जाती है कोइंसाइड करने के लिए किससे, वेरियस फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल्स इंसेक्ट्स की जिनको वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ से भी उन्होंने ये बताया, यहाँ पर उसने बात करी है इंसेक्ट्स की, बात करी है कि इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल के साथ उसको टाइम किया जाता है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ पर भी किसी तरीके से इन्होंने जो यहाँ पर क्लेम करा है उसको यहाँ पर एक कमज़ोर तो कर नहीं रहा है, वीक तो कर नहीं रहा है, इसलिए ये आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर उन्होंने क्या बोला कि नो प्रोविजन वॉज मेड टू एंश्योर दैट अ डेड बर्ड वुड नॉट बी रिपोर्टेड बाई मोर देन वन ऑब्जर्वर्स। ओके, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था जिससे ये चीज़ इंश्योर की जाए कि एक बर्ड की डेथ पर एक से ज़्यादा लोग रिपोर्ट ना करें। मतलब क्या, सिंपल सी चीज़ है, उन्होंने ये बोला कि अभी तक ये था कि अगर एक बर्ड की डेथ होती है ना तब आपके पास एक से ज़्यादा लोग भी उसी को रिपोर्ट कर पा रहे थे। तो यहाँ से तो अगर हम देखें ये तो इसको सपोर्ट कर रहा है, इजंट इट। मतलब क्या, जो क्लेम किया है पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स ने कि बर्ड्स की डेथ हो रही है, तो एक बर्ड की डेथ पर दो या तीन लोग अगर रिपोर्ट कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ रिपोर्ट्स तो इंक्रीज हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या, ये किसी तरीके से इसको रिफ्यूट तो कर नहीं रहा है, कमज़ोर तो कर नहीं रहा है, तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर उन्होंने क्या बोला कि इनिशियल इंक्रीज इन बर्ड डेथ्स हैड बीन नोटिस्ड बाय एग्रीकल्चरल वर्कर्स लॉन्ग बिफोर एनी पब्लिसिटी हैड बीन मेड टू द मैटर। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने क्या बोला कि जो इनिशियल इंक्रीज है बर्ड्स की डेथ में वो नोटिस किया गया था एग्रीकल्चरल वर्कर्स की थ्रू,
ठीक है, लॉन्ग बिफोर एनी पब्लिसिटी, मतलब पब्लिसिटी होने से पहले ही बता दिया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि पब्लिसिटी होने के बाद लोग बाहर निकल रहे हैं और नंबर ऑफ रिपोर्ट्स इंक्रीज हो रही है, वो गलत है। तो ये क्या कर रहा है, इसको रिफ्यूट कर रहा है, इजंट इट। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि डेड बर्ड्स ऑफ सेम स्पीसीज एज दोज फाउंड इन एग्रीकल्चरल एरियाज हैड बीन फाउंड अलोंग कोस्टल एरियाज वेयर नो फार्मिंग टुक प्लेस। तो ये भी क्या कर रहा है, ये तो इसको सपोर्ट कर रहा है कि आपके पास सेम स्पीसीज की जो बर्ड्स हैं उनकी डेथ हुई है कहाँ पर, अदर देन एग्रीकल्चरल एरियाज। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पेस्टिसाइड्स की वजह से नहीं हो रहा है, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उस टाइम से बोला है द सिटीज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द म्युनिसिपल गवर्नमेंट विच फाइंड्स इट पॉलिटिकली इम्पॉसिबल ईदर टू रेज फेयर्स और टू इंस्टीट्यूट कॉस्ट सेविंग रिडक्शन इन सर्विसेस। ठीक है, इफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वर हैंडल्ड बाय अ प्राइवेट फर्म प्रॉफिट्स वुड बी विग्रसली परस्यूड देयर बाय एलिमिनेटिंग द नेसेसिटी फॉर कवरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट विथ गवर्नमेंट फंड्स। ठीक है, तो उसने अभी तक हमें क्या बताया कि जो सिटीज का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसको म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के अंदर से हटा देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट होती है उसके लिए पॉलिटिकली इम्पॉसिबल होता है क्या करना, या तो वो फेयर को क्या करे, बढ़ाए, ठीक है, और ना ही वो क्या कर सकता है, कॉस्ट सेविंग रिडक्शन इन सर्विसेज, मतलब ना ही वो फेयर को बढ़ा सकता किसी भी तरीके से, और ना ही वो जो सर्विसेज होती है उनको किसी तरीके से कम कर सकता है, बिकॉज पॉलिटिकली प्रॉब्लम होती है, लोग परेशान करेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जो सिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दे दिया जाए किसको, एक प्राइवेट फर्म को। बिकॉज क्या होगा कि आपके पास जो प्राइवेट फर्म है वो ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए काम करेगी फिर, और अगर प्रॉफिट के लिए काम करेगी तो जो गवर्नमेंट फंड पर एक प्रेशर पड़ता है ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का, वो कम हो जाएगा। उसने हमें ये चीज़ बताई है। ठीक, आगे पूछा क्या है, द स्टेटमेंट्स अबव बेस्ट सपोर्ट द कंक्लूजन दैट। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि ये जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है ऊपर, वो नीचे किस कंक्लूजन को सपोर्ट करता है। ठीक, सो फर्स्ट पढ़ते हैं, उसने बोला द प्राइवेट फर्म्स दैट वुड हैंडल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वुड हैव द एक्सपीरियंस इन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। उसने बोला कि प्राइवेट फर्म जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दिया जाएगा उसके पास एक्सपीरियंस है किसका, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का। यहाँ पर एज सच कुछ तो मेंशन नहीं है, इजंट इट। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट तो आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड उसने बोला कि पॉलिटिकल कंसीडरेशन वुड नॉट प्रिवेंट प्राइवेट फर्म फ्रॉम एंश्योरिंग दैट रेवेन्यूज कवर ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसने क्या बोला कि आपके पास जो पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स होती थी, पॉलिटिकल कंसीडरेशन होता था, वो प्राइवेट फर्म को किसी भी तरीके से प्रिवेंट नहीं करेगी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जिससे कि आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाए। तो ये आपके पास करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर अगर हम बात करें, उसने लास्ट में मैं यही तो चीज़ बताई थी ना कि अगर प्राइवेट फर्म आ जाएगा तो वो प्रॉफिट के लिए जाएगा, और अगर प्रॉफिट मिलेगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के जो फंड हैं जो कि यूज़ होते हैं किसमें, ऑपरेटिंग कॉस्ट में, वो यूज़ नहीं होंगे। तो हमारे पास जैसे कि उसने बताया कि जो प्राइवेट फर्म है वो किसी भी तरीके से पॉलिटिकली कंसिडरेशन में नहीं आएगी, जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, वो यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रिवेंट नहीं करेगा प्राइवेट फर्म को एंश्योर करने के लिए कि आपके पास इतना रेवेन्यू जनरेट हो जिससे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाए। तो ये आपके पास क्या, हाँ अभी तक हमें यही करेक्ट लग रहा है। उसके आगे पढ़ते हैं, उसने बोला कि प्राइवेट फर्म्स वुड रिसीव गवर्नमेंट फंडिंग इफ इट इज़ नीडेड टू कवर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये तो आपके पास नहीं हो सकता, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट फर्म को किस लिए दे रही है, वो इसीलिए तो दे रही है ना जिससे कि गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं आए ऑपरेटिंग कॉस्ट का, तो ये तो आपके पास नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद उसने बोला कि द पब्लिक वुड अप्रूव द कॉस्ट कटिंग एक्शंस टेकिंग बाय द प्राइवेट फर्म। जो पब्लिक है वो अप्रूव करेगी कॉस्ट कटिंग एक्शन को जो कि प्राइवेट फर्म लेंगी, नहीं किसी भी तरीके से ये चीज़ तो यहाँ पर मेंशन हो ही नहीं रही है कि कॉस्ट कटिंग होगी। ठीक है, उसके आगे उसने बोला कि द म्युनिसिपल गवर्नमेंट वुड नॉट बी रिजाइंड टू अक्यूमुलेटिंग मेयरली इनफ
इनकम टू कवर कॉस्ट। ओके, उसने कहा कि जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट होती है वो रिज़ाइन नहीं करेगी टू एक्यूमुलेट मेयरली इनफ इनकम टू कवर कॉस्ट। ये भी किसी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन नहीं करेगी। रिज़ाइन एज सच यहाँ पर कुछ मैंशन ही नहीं था, उसने बस हमसे बात करी थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, थोड़ा सा प्रॉफिट, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, पब्लिक फर्म आएगा, आई मीन प्राइवेट फर्म आएगा तो वो कर पाएगा, बस इतनी चीज़ों की बात हो रही थी। तो यहाँ पर आपके पास जो बेस्ट सपोर्ट कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? बी ऑप्शन ही कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।